Welcome to the Learn University. I am Praveen Chaudhary, Associate Professor in Mechanical Engineering Department. So first of all, we introduce in engineering mechanics in about the beam. Beam kya cheez hai? What types of the beam? How to define the beam? What types of the support? Ki beam ko kaise banaya gaya? Beam mein kitne tarah ke supports hai? So that we can classify the beam. And how to calculate these reactions at the support. After that, हम उसको बीम में जाएंगे कि हाउ टू क्लासिफाई द बीम, बीम को कितने तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सपोर्ट. आफ्टर दैट हम उसमें किस तरह से हम उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे. देन वी कि बीम में व्हेन अप्लाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, देन बीम में कितने तरह के फोर्सेस जनरेट हुए हैं, सीएल फोर्सेस कैसे जनरेट होता है, बेंडिंग मोमेंट कैसे उसमें जनरेट होगा, और फिर हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीएल फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बीम इन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या इन मैकेनिक्स, एनीबॉडी कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लोड एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ शेप ऑफ द बॉडी. Let us suppose अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें, suppose this is the body, this body can be called as beam, can be called as truss, can be called as columns on the basis of their shape and on the basis of their types of loading. Let us suppose ये कोई भी एक structural body है. अगर हम beam की definition की बात करें, beam is a structural body in which one dimensional is very large as compared to other two dimensions. And the types of loading is perpendicular to the axis of that body. That means, अगर मैं ये कहूँ कि same body है जिसकी एक length, मैंने क्या कहा कि beam in which the one dimension is very large as compared to other two dimensions. तो अगर इसकी हम length बहुत ज़्यादा कर दें as compared to width और breadth, उसके cross sectional area से अगर उसकी length ज़्यादा है, so this types को हम beam कह सकते हैं. बट ये बॉडीज हमारी कॉलम भी हो सकती है और ट्रसेस और किसी मेंबर्स भी यूज हो सकती है. तो सेकंड जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें आगे कि बीम आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ लोडिंग, यानी कि लोडिंग इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ बॉडी. एक्सेस ऑफ बॉडी मीन्स किसी भी बॉडी, जो हमने स्ट्रक्चर बॉडी की बात की, इसके थ्री एक्सेस होते हैं जनरली एक्स वाई जेड. इफ अलोंग द लेंथ हम ये वन एक्सेस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सेस एंड अदर टू lateral axis को हम कहते हैं y और z axis. If the types of loading is perpendicular to the axis of the body, then this body will be called as beam. Same body को अगर हम कहें कि if the applied load or applied force is along the axis of body, let us suppose ये body हो गई, body के हमने along forces लगाना शुरू कर दिया, then and this body is perfectly perpendicular to the horizontal surface, then this same structural body will be known as column. Or if it is inclined, halka sa inclined hai ye to the horizontal surface, then it is known as struts. To hum use struts kahenge. Chaliye ab hum concentrate karte hain beam pe. To beam ki definition kya hui? It is a structural body in which the one dimensional is very large as compared to other two dimensions, and loading will be perpendicular to the axis of body. जैसे सपोज ये कोई भी बॉडी हो गई हमारी, ये बीम हो गया जिसमें ये लेंथ हो गई और ये इसकी थिकनेस हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई. तो वन डायमेंशनल इज वेरी लार्ज एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, जितने भी लोड होंगे, अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस और लोड हम बाद में देखेंगे कि वो किस तरह की लोडिंग है, वो बाद में बताएंगे कि दैट इज द पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द लेंथ, ओवर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द बॉडी और सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी. चलिए वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस बाद देखेंगे. तो बीम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि टाइप्स ऑफ लोडिंग परपेंडिकुलर टू द बॉडी एंड लेंथ वन लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर टू डेफिनेशन. सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द बीम. तो अब तक हमने क्या देखा कि हाउ टू डिफाइन द बीम. ठीक है, नाउ बिफोर क्लासिफिकेशन ऑफ बीम हम देखेंगे कि विच टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितने तरह के सपोर्ट हम इस पे लगा सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो फर्स्ट सपोर्ट किसी भी बॉडी पे जो हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज रोलर सपोर्ट.
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रोलर, यानी कि एक बीम पे आपने एक तरफ ऐसी चीज लगा दी कि बीम रोल कर सके। तो जैसे सपोज ये मैं केवल वन एंड दिखा रहा हूं आपको, दिस एंड पे वी अप्लाई ए रोलर सपोर्ट लाइक दिस वन, इसके नीचे एक व्हील टाइप के लगे हुए रोलर सपोर्ट, सो दैट दिस एंड कैन बी मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस ओनली, डज नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शंस, एंड इट कैन बी रोटेट इस पॉइंट के अबाउट, ये भी रोटेट भी हो सकती है, मूव भी कर सकती है। तो इस तरह के जो सपोर्ट होगा, इस तरह के सपोर्ट हम कई बार पेपर्स में या फिर इस तरह से भी बनावा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस तरह के जो भी सपोर्ट होंगे दैट सपोर्ट विल बी कॉल्ड एज द रोलर सपोर्ट। सेकेंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट विल बी रिजिड और हिंज सपोर्ट। रिजिड और हिंज सपोर्ट मींस इस तरह से बना हुआ है ये आपके किसी भी फिगर्स में अगर आप देखोगे, हिंज सपोर्ट मींस दिस एंड डज नॉट मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन, बट इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट दिस कैन बी इजीली रोटेशंस। सो इस तरह के सपोर्ट को हम कहेंगे हिंज और रोलर सपोर्ट्स। थर्ड टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो होगा आपका दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड सपोर्ट। तो इन केस ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट बीम कैन बी फिक्स्ड एट दिस एंड, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं, एंड एट दिस पॉइंट बीम डज नॉट मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस एंड डज नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शंस एंड नाइदर रोटेट्स अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ये रोटेट भी नहीं हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सपोर्ट्स अब रिएक्शंस डेवलप होती हैं इस सपोर्ट्स पे। अब रिएक्शंस को डेवलप होने के लिए हमने सपोर्ट्स का देख लिया, अब रिएक्शंस कब होंगी, अगर कोई भी बॉडी इजीली मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में तो कोई रिएक्शन नहीं आएगी। रिएक्शंस आएगी जैसे हमने इसकी रोक दी, कोई भी बॉडी जा रही है रोक दिया, तो मैंने इस पे एक रिएक्शन लगाना शुरू कर दी, सो दैट इट कांट बी मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। मैं वर्टिकल मूव ना करने दूं तो ये वर्टिकल में एक रिएक्शन लग जाएगी, अगर मैं इसे पकड़ लूं इस पॉइंट पे रोटेट ना हो सके, तो रोटेट का मतलब हो गया एक मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट रिएक्शंस आएंगी। सो बेसिकली देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हम पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस एंड मोमेंट रिएक्शंस। तो अब तीनों सपोर्ट्स को देख करके हम देखेंगे कि इसमें कितनी रिएक्शंस डेवलप हो सकती है, मैक्सिमम रिएक्शंस। तो जैसे ये कहा मैंने, इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट इट कैन बी मूव इन इजीली मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई रिएक्शन नहीं लग रही है। इट कैन बी रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, तो मोमेंट रिएक्शन भी नहीं हुई, बट इट डज नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो ओनली वन रिएक्शन विल बी एक्टिंग ऑन दिस पार्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्टिकल रिएक्शन। इसे आर वी से दिखा देते हैं उसे। सिमिलरली यहां पे भी ये हो गया रोलर, तो ये आर वी हो गया। इन केस ऑफ हिंज और रिजिड सपोर्ट दैट एंड बीम एट दिस एंड डज नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड डज नॉट मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट इट कैन बी इजिली रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। सो देर आर द टू रिएक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकती, तो एक रिएक्शन यहां से लगेगी और एक रिएक्शन इस पॉइंट पे वर्टिकल लगेगी। वर्टिकल रिएक्शंस को हम आर बी से डिनोट करेंगे और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को आर एच से डिनोट करेंगे। सिमिलरली एट फिक्स्ड पॉइंट पे बीम डज नॉट मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, वर्टिकल डायरेक्शंस एंड डज नॉट रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। सो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विल बी एक्टिंग एट दिस पॉइंट, आर बी, आर एच एंड मोमेंट रिएक्शंस एम। इनकी डायरेक्शंस पे कभी मत जाइए कि मैं नीचे लगा रहा हूं ऊपर लगा रहा हूं, वो मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर पॉजिटिव आ जाती है तो मेरी डायरेक्शंस ठीक है, अगर नेगेटिव आएगी तो जो मैंने शो किया है फिगर में जस्ट उसके उल्टा हो जाएगी। दैट मींस अगर मैंने मोमेंट ये अब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है मोमेंट रिएक्शंस को, अगर ये सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाता है तो इसकी टेंडेंसी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है रिएक्शंस की। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब इन्हीं के बेस पे हम बीम को क्लासिफिकेशंस करेंगे कि बीम में अगर हमने रोलर सपोर्ट लगा दिया वो किसी बीम को टिके रहने के लिए या तो एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक सपोर्ट पे वो ना रोलर सपोर्ट पे टिक सकती है ना हिंज सपोर्ट पे टिक सकती है, वो बीम केवल फिक्स सपोर्ट पे आपकी टिक सकती है। तो वहां से एक क्लासिफिकेशन आ जाएगा। अगर अगर उसके दोनों एंड्स पे हमने कोई ना कोई सपोर्ट लगाया है, आइदर फिक्स सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, तो उसी तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेस्ड ऑफ सपोर्ट,
कि हाउ टू क्लासिफाई द बीम और कितने तरह की बीम होती है, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बीच में। तो फर्स्ट जो हम इसे क्लासिफिकेशन करते हैं दैट विल बी कैंटीलीवर बीम। इन केस ऑफ कैंटीलीवर बीम सपोज दिस इज अ बीम, इफ वन एंड विल बी फिक्स्ड आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई भी एक साइड को अगर हम उसको फिक्स कर देते हैं देन दिस टाइप्स ऑफ बीम विल बी नोन एज कैंटीलीवर बीम। ये बीम इस तरह से भी बनी हुई हो सकती है और इस तरह से भी बनी हो सकती है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन विल बी कैंटीलीवर बीम, सेकेंड सिंपली सपोर्टेड बीम, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सपोज दिस इज अ बीम वन एंड विल बी हिंज और रिजिड सपोर्ट एंड अदर एंड विल बी रोलर सपोर्ट। कभी भी दोनों सपोर्ट्स को हिंज और रिजिड सपोर्ट ही बनाएंगे बिकॉज दिस बीम को जब भी व्हेन वी अप्लाई द लोडिंग ऑन दैट बीम तो बीम को मूव करने के लिए कोई ना कोई एक एंड को हमेशा रोलर सपोर्ट बनाया जाता है। तो इफ वन एंड इज हिंज सपोर्ट एंड अदर एंड इज द रोलर सपोर्ट देन दिस टाइप्स ऑफ बीम विल बी नोन एज द सिंपली सपोर्टेड बीम। थर्ड टाइप की जो बीम आती है दैट इज द फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम इन विच बोथ एंड्स विल बी फिक्स्ड, दोनों एंड्स फिक्स्ड होते हैं। जनरली अगर आपने घर पे भी देखा हुआ है कहीं भी देखा होगा तो ऊपर जो बीम पड़ी होती है दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड बीम। कैंटिलीवर एग्जांपल का अगर आप प्रैक्टिकली कहीं देखो जितने भी मेट्रो पिलर्स पे बने हुए हैं आगे की तरफ तो वन एंड उसका फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड उसका फ्री होगा। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर कैंटिलीवर बीम। एंड अगर मैं इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल बात करूं तो जितने भी ब्रिजेस हो गए एट द ब्रिजेस पे वन एंड विल बी हिंज सपोर्ट, जितने ब्रिजेस हो गए उसका एक पे हम हिंज लगा देते हैं और दूसरे पे रोलर सपोर्ट लगा देते हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर कैंटिलीवर बीम सिंपली सपोर्टेड बीम एंड फिक्स्ड बीम। इसके आगे भी हम करेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के केस में जनरली जो हम सिलेबस में देखेंगे वी ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और कैलकुलेट द रिएक्शन वो ऑन द बेस्ड ऑफ कैंटिलीवर बीम सिंपली सपोर्टेड बीम एंड फिक्स्ड बीम। नाउ फोर्थ टाइप की अगर बात करें इफ जैसे ये बीम हो गई इसमें हमने दो सपोर्ट लगाए, इफ वी अप्लाई मोर देन टू सपोर्ट, अगर हम दो से ज्यादा सपोर्ट लगाते हैं 3, 4, 5, 6 कितने भी सपोर्ट लगाए इफ वी अप्लाई द मोर देन टू सपोर्ट देन दिस टाइप्स ऑफ बीम विल बी नोन एज द कॉन्टिन्यूस बीम। सो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस बीम। सपोज ये कोई बीम हो गई इस पे एक एंड पे आपने हिंज सपोर्ट लगाया और फिर इसमें रोलर सपोर्ट लगाते चले गए आइदर 3, 4, 5, 6 जितने भी लगा दिए। सो दिस ये भी जो बीम होगी इसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस बीम। ठीक है, और भी क्लासिफिकेशन हो जाती हैं अगर हम हाईर लेवल पे जाएंगे कि इफ वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड पे हमने रोलर सपोर्ट लगा दिया तो इस तरह के कैंटिलीवर को हम कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली फर्स्ट ईयर लेवल पे अगर हम बात करें तो हमें इन दो बीम पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कैंटिलीवर बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस, क्योंकि जब तक आपको रिएक्शन निकालना नहीं आएगा तब तक हम आगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ड्रा नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है जनरली पूछा जाता है व्हाट इज इनडिटरमिनेंसी या व्हाट इज द इनडिटरमिनेंट बीम और डिटरमिनेंट बीम। जैसे नाम से पता लग रहा है इनडिटरमिनेंट, क्या हम डिटरमाइन नहीं कर सकते उसका। इनडिटरमिनेंट बीम मींस दैट बीम इन विच द रिएक्शंस अप्लाइड रिएक्शंस ऑन दैट बीम will be more than the number of equilibrium equations, यानी कि उस beam की हम reactions calculate नहीं कर सकते by the help of equilibrium conditions और equilibrium equations। जब ये equilibrium equations और equilibrium conditions हम first chapter में पढ़ भी होगी या फिर दोबारा से revise कर लेते हैं। Equilibrium is the condition or state where the body will be with rest or it will be uniform motions, या तो वो completely rest में रहे या वो uniform motions करे तो उसे हम continuous से हम कहते हैं body is in equilibrium। तो उस पे हमारी तीन equations दी गई थी, first कि summation of all horizontal forces will be zero, तो summation fx या summation x से दिखाते हैं, तो summation fx is equal to zero। second condition कि summation of all vertical forces will be zero, summation fv is equal to zero। third condition कि summation of moment about any point
ये बीम की बात नहीं हो रही, ये किसी की बॉडी की बात हो सकती है, कि समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0। अब इन कंडीशंस के अलावा हमारी मैक्सिमम कितनी इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस हुई, 3। अगर किसी भी बीम पे 3 से ज्यादा रिएक्शंस है, मोर 4, 5, 6, इफ नंबर ऑफ रिएक्शंस इज मोर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सो दैट बीम विल बी नोन एज इनडिटरमिनेंट बीम। और वहीं से एक टर्म आता है इनडिटरमिनेंसी। इनडिटरमिनेंसी इज कि हाउ टू ग्रेटर देन, कि रिएक्शंस कितनी ज्यादा है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो वही उसकी इनडिटरमिनेंसी हो जाएगी। इसके आगे हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेटेड द रिएक्शंस, कि रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट की जाए, ठीक है। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिएक्शंस हाउ टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।